देखिए कांग्रेस को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कांग्रेस के पास ना कोई नीति है और ना कांग्रेस के पास कोई मैं कहूँ नेता है और ना कांग्रेस के पास हिंदुस्तान और गुजरात को लेकर के कोई विजन है। तो कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा 2014 का था उसकी एक तरह से शुरुआत गुजरात की जनता ने कर दिया है और 2024 में उसका सही प्रकार से जो चित्र है वह मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता दिखाएगी। नीतीश जी ने बोला है कि अगर 2024 में मोदी जी को हराना है तो सबको संगठित होना पड़ेगा विपक्ष को। देखिए माननीय मोदी जी के खिलाफ घोषित या अघोषित तौर से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माननीय मोदी जी के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष एकजुट ही रहता है। जो वो हमारे खिलाफ वोट देने वाले हैं वह सब एकजुट होकर के हमारे खिलाफ वोट करते हैं और हमारी भी रणनीति यही है कि जब जनता का आशीर्वाद 50% से अधिक वोट अब ये मिलने की जो शुरुआत हुई है तो एक नारा कि 100 में से 60% से अधिक वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है और बंटवारे वाले वोटों में भी हमारा है, कमल के फूल का है, मोदी जी का है, भाजपा का है। खास करके केजरीवाल जी ने यहाँ पे बड़ा जोर लगाया था मगर जिस तरह से रिजल्ट रहा। देखिए मैं यह समझता हूँ कि श्री अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन है और वह जो झूठ बोलने का काम लगातार करते हैं वह झूठ की नाव बहुत देर चलने वाली नहीं है। जब कुछ झूठ बोलते हैं, दिल्ली में झूठ बोलते थे या दूसरे किसी और राज्य में झूठ बोलते थे, अभी गुजरात में भी झूठ बोले, गुजरात की जनता ने रेवड़ी संस्कृति को नकार दिया है, उनको फ्री में सब कुछ दे देंगे इस प्रकार के जो झूठे वादे करने का काम करके देश की अर्थव्यवस्था को खोखला बनाने की दिशा में, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जिसने भी इस प्रकार से प्रलोभन दे करके या कहले इस प्रकार के झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने का काम किया है उसके संदेश की गूंज गुजरात से हुई है और पूरे हिंदुस्तान में यह गूंज गूंजेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।